हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ALP परीक्षा के बारे में, जो साइको टेस्ट के बाद कट ऑफ क्या जा सकती है। तो दोस्तों, फुल एनालिसिस किया है CVT 3 का, उसके बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, किस जोन में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम लेके आए हैं कट ऑफ से रिलेटेड वो आपके पास पूरी पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है RRB ALP के साथ साथ ही अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी पल पल की अपडेट। हम यहाँ पर आपको पल पल की अपडेट देते रहते हैं, वैकेंसी से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, और जो आपके एडमिट कार्ड है, एग्ज़ाम डेट है, उससे रिलेटेड हम पल पल की अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके दोस्तों को भी पता लग सके जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो दोस्तों, जो आपकी ALP CVT 3 में, जैसे आप पता है, 5 चरण हुए थे, उसके बाद जो आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, बैटरी टेस्ट और उन सब के जितने भी आपके वो 5 टेस्ट हुए थे, उसके बाद जो आपका T-स्कोर के बाद है एवरेज, क्योंकि आपका 70% उससे और 30% इसे लिए जाना है। तो इसके बाद जो आपकी कट ऑफ है, जो जिनकी कट ऑफ कम जाने के चांसेस है, जैसे मालदा, पटना, सिलीगुड़ी और गोरखपुर से, यहाँ से आपकी जो कट ऑफ है कम जा सकती है। तो दोस्तों, जो एवरेज ओवरऑल बात करें हम अभी, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट के बाद ही फाइनल कट ऑफ बन सकती है। तो जो आपकी कट ऑफ जा सकती है, उसमें जो डेंजर जोन है उसमें 8 नंबर आप मान के चले कि 8 नंबर तक इंक्रीज़ हो जाएगी जो आपकी कट ऑफ अब गई है, और जो लेस डेंजर जोन है वहाँ पे आपकी 5 नंबर तक इंक्रीज़ हो सकते हैं, और जो डेंजर जोन नहीं है वहाँ पे आपके 3 नंबर तक इंक्रीज़ हो सकते हैं। और तो दोस्तों, यही कुछ खास अपडेट निकल के आ रही है अभी, आपके जो कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसे हुआ। वैसे अगर हम ओवरऑल देखें कि जो कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कैसे हुआ है, उनको कैसे रिप्लाई आया है, तो दोस्तों 70 से 80% कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया है। कह रहे थे हमारा अच्छा स्कोर है, प्रैक्टिस अच्छी तरह से की थी, तो उनका साइको टेस्ट काफ़ी अच्छा गया है। तो यही कुछ खास अपडेट निकल कर रह रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।